अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैंने एक मशीन परचेज की है, अभी सूरत से मंगवाई है। देखिए इसका जो मॉडल है वो 2015 है। ये मैंने अभी मुंबई से ऑर्डर की है, मुंबई से हमने मंगवाई है ये मशीन। ये हमें लगभग 8 लाख रुपए के आसपास की मशीन पड़ी है दिल्ली पहुंच के, डिवाइस सारे लगा के। तो इसमें हमने सारा काम किया है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या काम मैंने किया है इसमें। एक तो मैंने इसमें काम किया, इसकी पूरी सर्विस हुई है। सर्विस में प्रेशर पुट वगैरह सारे नए लगे हैं और गुटका वगैरह नया लगाया है। और मैंने डिवाइस ये लगाए, सेकेंड डिवाइस ये सूरत से ही किसी से मंगवाए डीलर से। अब तो ये हमने सेकेंड लगाए हैं इसमें, हालांकि लगाने के बाद ये मैं पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। 2-4 दिन के बाद मुझे वक्त नहीं मिल पाया था। तो इसमें इसको किस तरह से हमने लगाया है, क्या क्या कंप्लेंट आएंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये हमने लगाए हैं सक्सेसफुली तरीके से। पुराने डिवाइस पहली मशीन में ही पुराने डिवाइस मैंने लगाए हैं, इससे पहले नए लगाए हैं, हालांकि इसमें भी कोई कंप्लेंट खास नहीं आई। तो ये पूरी 15 हेड की मशीन है, पूरी मशीन एकदम बढ़िया चल रही है। अभी मैं आपको इसको चलता हुआ भी दिखाऊंगा, फिलहाल रोक के वीडियो बना रहा हूँ इसका। तो देखिए हम डिवाइस के बारे में पूरी तरह से आपको बताएं, इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से लगानी होती है। अच्छा, ये जो है इसका मास्टर कार्ड है, तो देखिए ये मास्टर कार्ड है। तो ये जो केबल होती है ये एक नीचे कलर में, ये कमांड केबल होती है, ये कार्ड के अंदर कमांड करती है। और ये दूसरी केबल जो है ये देखिए ये कमांड केबल हो गई, ये डंडे में जाती है, डंडे को कनेक्ट करती है। और ये केबल जिसमें हम 24 वोल्ट लगाते हैं कमांड के लिए, ये एक XY में जा रही है, ठीक है। और ये कलर चेंज में जा रही है। दूसरी जो है ये एनकोडर मोटर में जा रही है। तो ये कमांड केबल है, एक एनकोडर मोटर की हो गई, ठीक है। दूसरी ये 24 वोल्ट ये XY में जा रही है, ठीक है। जैसे और तीसरी है, एक इनवर्टर मोटर की हो गई, एक हो गई आपकी XY की, एक हो गई आपकी इनवर्टर मोटर की और कमांड की। ये मास्टर कार्ड से ये कनेक्शन सारे जाते हैं इस तरह से। तो जैसे इनवर्टर मोटर की ये है केबल, ये हमने लगाई, इनवर्टर मोटर की हो गई। तो ये बीच में से ही कनेक्ट हो जाती है डायरेक्ट, ये XY की हो गई, ये डंडे की हो गई और ये कलर चेंज की हो गई है। ये तीनों इसी तरह से मैंने लगाई है। और नीचे से सिर्फ ये एक केबल जो है कमांड की है एक, और ये दो तार जो माइनस प्लस के होते हैं, ये इसमें 24 वोल्ट आते हैं SMPS से, ये ऊपर जा रही है कमांड के लिए। चलिए ऊपर आपको दिखाते हैं कनेक्शन पहले। तो ये केबल जो यहाँ से आ रही है, ये देखो ये केबल यहाँ आ गई है, ये पूरी केबल, ये भीम कार्ड का पोर्शन है। तो हमने इसी भीम के अंदर से इस केबल को निकाला है। तो यहाँ आने के बाद ये देखिए यहाँ SMPS पे आ गई है। ये चाहिए SMPS में 220 वोल्ट, ये हमने ट्रांसफार्मर में से नीचे से दिए। अच्छा ये हो गए, ये देखिए ये इस पर लिखा भी होता है SMPS पे, आसानी से प्लस है 24 वोल्ट, ये माइनस है। तो प्लस जो है रेड हो गया, माइनस तो ये हो गया। ये दो जो मैंने लगाए हैं ये कि देखिए यहाँ से ये नीचे चलेगा मास्टर कार्ड में, और दूसरे जो है कमांड केवल ये 24 वोल्ट इसमें आ गए कार्डों में। अच्छा पहला कार्ड ही लगाया हुआ है, ये पहला कार्ड लगाने के बाद इसमें से कितनी केबल जाती हैं, एक तो 20 पिन जाती है ये, और दूसरी ये जंक्शन लाइट की हो गई, ये मोटरों की हो गई। तो ये 24 वोल्ट हो गई है अर्थिंग के। तो ये पहला कार्ड कनेक्शन होने के बाद सब इसी तरह से सारे के सारे कार्ड आसानी से लग जाते हैं। अच्छा इसमें जो कंप्लेंट आ रही थी, हमने लगाया इसमें कंप्लेंट जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि इसकी डिवाइस की कटोरी उल्टी घूम रही थी। तो हमने क्या किया है, जो ये दो कनेक्शन हैं, दो तार रहेंगे, तो ये
हमने ये नीचे का ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, क्योंकि मोटर उल्टी घूम रही थी, कनेक्शन केबल के सही नहीं थे क्योंकि एक नंबर के थे, इसलिए हमने इसको 9 नंबर पे लगाई है केबल को, तो इसमें कनेक्शन चेंज करने पड़े। अच्छा, अब कोई भी कंप्लेंट नहीं है इसमें, तो ये एड कनेक्शन है, 120 मिल लगती है, कोई दिक्कत करती है ज़्यादातर 20 मिल केबल, ये कमांड केबल होती है, ठीक है, ये 24 वोल्ट है, तो ये कार्ड के अंदर जाते हैं, ये 307 का कार्ड है, तो ये मेरे पास रिपेयर की भी सुविधा है, तो अब चलती हुई दिखाते हैं हम आपको मशीन। ओके, एकदम चल रही है, देखिए चालू है मशीन, ये 800 की स्पीड पे चल रही है, ये एकदम ऑपरेट कंडीशन में, ये डायू की मशीन है, ये डोरी ही चल रही है अभी, ये बॉर्डिंग डिवाइस भी देखिए, मैंने पुराने लगाए थे, हालांकि थोड़ी बहुत कंप्लेंट आई थी, मुझे दिक्कत हुई थी, और तो मैंने इसमें क्या किया, जैसे ये लाइट वाला कार्ड होता है, मैं जिससे लाइट वगैरह टूटने में देती है, दूसरा एक नीचे कार्ड है, ये देखिए ये सेंसर कार्ड, क्योंकि डोरी फंसा लेता है या एक साइड चल रहा, दो साइड चल रहा या सेंसर काम नहीं, तो इसे नीचे छोटा सा कार्ड लगा हुआ है, ये सेंसर वाला जो सेंसर कलर चेंज में होता है वही होता है, तो ये ख़राब हो जाता है, या मैंने नया बदला है कई कार्डों में, और ये कार्ड भी नया डाला है, क्योंकि डोरी जब टूट जाती है तो लाइट नहीं बताती है, तो ये इसकी लाइट मुझे दिखाई दे रही है, कई सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये देखिए चल रहा है ना, कोई भी कंप्लेंट नहीं है मशीन में, तो ये फर्स्ट क्लास चल रही है, डायू की मशीन है, ये 2015 मॉडल है, ये 16 में इंस्टॉल हुई है मशीन, ये हमने मुंबई से परचेस की है, लगभग 8.25 लाख रुपये के आसपास की हमने ये दिल्ली में आकर पड़ी है। अब कंप्लीट सर्विस करने के बाद, सारी चीज़ें ओके करने के बाद, ये मशीन हमारी ओके चल रही है एकदम बढ़िया, कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, मशीन लेना चाहता है, तो वो मशीन हमसे परचेस कर सकता है इंशाल्लाह, और आपको कंप्लीट करके दी जाएगी। 15 हेड 18 हेड मशीनें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, तो ये डायू की मशीन अच्छी मशीन है। तो ये देखिए डिवाइस हमने पुराने लगाए हैं, डिवाइस चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन डिवाइस चल रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है। बना हुआ भी है, देखिए फिनिशिंग से कोई कंप्लेंट नहीं, बेहतरीन तरीके से बना हुआ, बेहतरीन फिनिशिंग आ रही है, और कोई भी कंप्लेंट नहीं है डोरी वगैरह की, पूरी मशीन एकदम से साफ़ सुथरी मशीन है, नई जैसी कंडीशन मशीन की है, और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके भी समझ में आए कि नए डिवाइस में क्या कंप्लेंट हो सकती है, ये बेहतरीन मशीन है, किसी को रिक्वायरमेंट है तो इंशाल्लाह हमसे संपर्क करें, इंशाल्लाह अच्छी मशीन मिले।